ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। आज हम यहाँ पे मैराथन जो है महा मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं एमएस सेट 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे थ्रू आउट द सिलेबस में जितने फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सी गलती होने के चांसेस होते हैं, जो नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों का हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्दी ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स को शेयर करना और कमेंट करना अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो। ठीक है, चलिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चलिए तो ये फर्स्ट सेशन हमारा आज महा मैराथन का। लास्ट वीक तक हमारा एग्जाम मैपिंग चल रहा था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये महा मैराथन में कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, कंप्लीट फॉर्मूले जो आते हैं वो भी आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, कल हम क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और परसों हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता दीजिएगा मेरा ऑडियो एंड वीडियो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, ताकि मैं डिस्कशन स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले ना थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को अगर आप पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं थर्मो के दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ हमेशा, इसे जब भी हम थर्मो पढ़ते हैं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, एक हमारे पास केटीजी और दूसरा बेसिक। ओके, केटीजी और दूसरा बेसिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबको पता है, हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और बेसिक मतलब क्या, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन लॉज इसके बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने देखा तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी मैं ऑलमोस्ट अगर आपने देखा तो इसको मैं तीन पार्ट में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास आता है बेसिक्स एंड एंसेंबल थियरी, बेसिक एंड एंसेंबल थियरी ये वाला पार्ट आता है। बेसिक में हम माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट डिस्कस करते हैं, एंसेंबल थियरी में जो तीन एंसेंबल होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपने देखा तो यहाँ पे ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके टाइप आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने देखा या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली क्लासिकल एंड क्वांटम, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं जिसमें क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप्स आते हैं, फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड क्लासिकल आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में ये डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट देखा आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का तो ये अप्लीकेशन का पार्ट है, तो ये सारा अप्लीकेशन का पार्ट है। अप्लीकेशन मतलब क्या, जैसे जिस सारे डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हो, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, देन बीई डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एफटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन का अप्लीकेशन है कहीं ना कहीं पे, और वो अप्लीकेशन आपको पूछा जाता है। जैसे कि बात करते हैं एफडी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एफडी डिस्ट्रीब्यूशन का अप्लीकेशन आपके पास क्या है, फर्मी गैस है। ओके, फर्मी गैस का इस्तेमाल आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत बार करते हो कंडक्टिविटी निकालने के लिए। ओके, उसके बाद अगर आपने देखा तो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन है बोस गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहां पे भी बोस पार्टिकल यानी बोसॉन्स का एप्लीकेशन किया जाता है। एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लासिकल आइडियल गैस हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के सेशन में हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक लेनी है जिसपे सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं, ताकि रिविजन के टाइम, अभी एग्जाम बहुत पास है तो ये रिवीजन ही मान लीजिएगा, फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, केटीजी। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला पार्ट तो अजम्पशंस का आता है, सभी को पता है ये सारे अजम्पशन, हम यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट वीक में हमने इसी के ऊपर लेक्चर्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट फॉर्मूला, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। ओके, इस प्रेशर को हमने डिफाइन किया था 1/3 ऑफ,
दिस प्रेशर इज 1/3 ऑफ एम एन वी आर एम एस स्क्वायर. इसको कैसे डिफाइन किया था, 1/3 ऑफ एम एन वी आर एम एस स्क्वायर. यहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एम इज द मास ऑफ सिंगल गैस मोलेक्यूल, मास ऑफ सिंगल गैस मोलेक्यूल, मास ऑफ सिंगल गैस मोलेक्यूल. एंड वी आर एम एस सभी को पता है. ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक सक्सेसफुल रिजल्ट यहाँ पे ये था कि इन्होंने वी आर एम एस का करेक्ट फॉर्मूला बताया. ओके, जो कि थ्री डायमेंशन के लिए एग्जैक्टली हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ मैच कर रहा था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. ठीक है, तो ये सक्सेस था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लीकेबल है. अगर आपको इसको रियल गैस या वैन डेर वाल गैस में अप्लाई करना है तो आपको इसके अजम्पशंस में चेंजेस करने पड़ेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन की टर्म ऐड करनी पड़ेगी ताकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो कि सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है उसको आप रियल गैस या वैन डेर वाल गैस में अप्लाई कर सके. तो ये इंपॉर्टेंट चीज सभी ने ध्यान में रखना है. ठीक है, क्या, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए कंप्लीटली अप्लीकेबल है. ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी मैंने एक लेक्चर लिया था, किस तरीके से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है. तो आप इसी चैनल पे वो लेक्चर अवेलेबल है, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी काइंड ऑफ सिस्टम. डायटोमिक है, मोनाटोमिक है, ट्राइटोमिक है, लीनियर, नॉन लीनियर, एट रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या फिर रिजिड, नॉन रिजिड. तो इन सारे सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट करना है, वहां से सीपीसीपी एंड एटोमिसिटी यानी गामा कैसे कैलकुलेट करना है, इसके रिलेटेड लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में सबसे पहले गलती क्या नहीं करनी है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देखिए आपको जो सवाल आता है वो सवाल आता है गामा के बारे में या फिर कोई प्रोसेस है जो कि एडियाबेटिक हो रही है और उस प्रोसेस में डायटोमिक रिजिड, डायटोमिक नॉन रिजिड, डायटोमिक एट रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, ट्राइटोमिक, मोनाटोमिक, ऐसे गैसेस का क्या करें. तो सबसे पहले याद रखना, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, कोई एडियाबेटिक वर्क डन निकालना है और गामा कैलकुलेट करना है, अगर आपको किसी ने गामा कैलकुलेट करने के लिए पूछा तो सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम से ना जाए, पहले आपको क्या करना है, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है जो कि क्या रहता है, टी प्लस आर प्लस वी, जिसको हम थ्री डायमेंशन में थ्री एन माइनस के लिखते हैं, जिसको हम थ्री एन माइनस के लिखते हैं. पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें, फर्स्ट स्टेप. फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के बाद एक चीज याद रखें कि अगर एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो इंटरनल एनर्जी को हाफ के बी टी टर्म देगा, अगर एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो इंटरनल एनर्जी को हाफ के बी टी टर्म देगा, और अगर हमारे पास एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो इंटरनल एनर्जी को के बी टी पार्ट देगा. तो सबसे पहले आपको किसी भी सिस्टम को सॉल्व करना है, उसके लिए गामा कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस सिस्टम को पढ़ना है अच्छे से, वो कौन सी सिस्टम है, उसके ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले फाइंड आउट कर ले. फिर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग, जैसे एक ट्रांसलेशन है तो हाफ के बी टी, दो ट्रांसलेशन है तो के बी टी, देन तीन ट्रांसलेशन है तो थ्री बाई टू के बी टी, रोटेशन एक है तो हाफ के बी टी, इस तरीके से आपको उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी लिखनी है. इनका इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है, यू, टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की. फिर उस टोटल इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सीवी मिल जाएगा. देन आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करना है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू एन आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू एन आर, यहाँ से आपको सीपी मिलेगा. एक चीज याद रखना, ये जो सीपी और सीवी में जो डिफरेंस है ये NR के बराबर सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है. वैन डेर वाल गैस के लिए ये जो राइट हैंड साइड में NR टर्म है इसमें बहुत बड़ी टर्म आएगी, इसमें एक अलग टर्म आती है. तो आपको जो सवाल पूछे जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करके वो सारे आइडियल गैस के लिए पूछे जाते हैं. और एक चीज, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये जो एडियाबेटिक का हम इक्वेशन लिखते हैं ना, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए. याद रखना, गड़बड़ बिल्कुल मत करना. आइडियल गैस के केस में ये इक्वेशन वैलिड है, कौन सा, पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा, ये जो इक्वेशन ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस दिखाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस. क्यों, क्योंकि रियल गैस में प्रेशर में प्रेशर करेक्शन की टर्म आएगी, वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन की टर्म आएगी, तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना है. ठीक है, अब आते हैं हमारे सीबी माइनस सीवी पे. तो आइडियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी एनआर के बराबर होता है,
आपने पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल ली, टोटल इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव लेके आपने सबसे पहले यहाँ पे सीवी कैलकुलेट किया है, देन सीपी माइनस सीवी में इस तरीके से रिलेशन है, तो यहाँ से आपको सीपी मिल जाएगा। एंड नाउ द गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। इस तरीके से आपको गामा कैलकुलेट करना है। बहुत से लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला जनरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सपोज आपके पास कोई एक सिस्टम है जिसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, तो आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो आपका सीधा एफ वी को 1 मानेगा और उसके अकॉर्डिंग आप एफ कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर आपने देखा तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन हमें केबीटी टर्म देता है, ना कि हाफ केबीटी, ना कि हाफ केबीटी। तो इस तरीके से जो एनर्जी का पार्टीशन है ये ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए सेम है लेकिन वाइब्रेशन के लिए अलग है। इसकी वजह से आपको ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं करना है, पहले चेक कर लो क्या सिस्टम में वाइब्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। अगर सिस्टम में वाइब्रेशन है तो इसका मतलब आपको उसके करस्पॉन्डिंग केबीटी एनर्जी कंसिडर करनी पड़ेगी, ना कि हाफ केबीटी। तो आपको इस फॉर्मूले से नहीं जाना है, टोटल एनर्जी, उससे सीवी, उससे सीपी एंड देन रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। इस तरीके से आपको यहाँ पे गामा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम भी यहाँ पे फिर हमारा कवर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको और कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने ठीक लगेंगे, मतलब उनके रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए। देखिए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब सबको बताया, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो दिया जाता है एफ एज अ फंक्शन ऑफ वी, ये फॉर्मूला दिया जाता है एफ एज अ फंक्शन ऑफ वी इज इक्वल्स टू 4 पाई वी स्क्वायर, यहाँ पे आता है m डिवाइडेड बाय 2 पाई के वी टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के वी टी। यह है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। यह स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला 3 डायमेंशन में है, किसमें है ये फॉर्मूला, 3 डायमेंशन में। इसी को आपको 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में कैलकुलेट करना है। देखिए अब आपने अगर आपने इसका इंटीग्रेट किया 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ओके, क्यों 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं, क्योंकि ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी तो नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा, ओके। अगर मैं इसको 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगी तो इसका आंसर 1 आता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी जैसे काम करेगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी जैसे काम करेगा। अगर इसका इस्तेमाल करके मैंने वी एवरेज कैलकुलेट किया, ओके, वी एवरेज कैलकुलेट किया तो ये आएगा 8 के बी टी बाय पाई एम फॉर 3 डायमेंशनल गैस। उसके बाद अगर मैंने मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ज्यादातर पार्टिकल का जो स्पीड हमें मिलेगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश की इसका इस्तेमाल करके, तो ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बी टी बाय एम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बी टी बाय एम। और इसी का इस्तेमाल करके मुझे वी आर एम एस के नाम में ही लिखा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। देखिए आर मतलब रूट, ओके, एम मतलब मीन, एस मतलब स्क्वायर। इस क्वांटिटी की वैल्यू बाय यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आती है 3 के बी टी बाय एम, कितनी आती है 3 के बी टी बाय एम आती है। सुमित पनगति, रैंडम वॉक इंपॉर्टेंट फॉर द एमएस सेट एग्जाम, नहीं रैंडम वॉक में इतने सवाल नहीं आते, अगर आ भी गए ना तो आप उसको प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो, जो एमएमपी में टर्म आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना उससे भी हो जाएंगे उसके सवाल, ठीक है, ओके। ये आ गया हमारे पास 3 डायमेंशन में, तो ऐसे आप 2D में 1D में फॉर्मूला लिखो, टोटल फंक्शन लिखो, उसका यूज करके आप वी एवरेज, वी एम पी, वी आर एम एस कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, इसके कैलकुलेशन आप कर सकते हो। एक चीज याद रखना, अगर मैंने इसके मैग्नीट्यूड कंपेयर किए, अगर मैंने इन तीनों स्पीड वैल्यू, स्पीड्स के मैग्नीट्यूड कंपेयर किए, तो ये याद रखना आर ए एम, आर ए एम मतलब क्या, वी आर एम एस इज ग्रेटर इन द मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू वी वॉट एवरेज, ओके, इज ग्रेटर देन वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। और चीज एक, इसका जो ग्राफ आता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो इन्वर्टेड बेल शेप कर्व में आएगा, वो इन्वर्टेड बेल शेप कर्व में इस तरीके से ग्राफ कुछ आएगा। इस ग्राफ का जो बिहेवियर है ना, ये टेम्परेचर के साथ अलग अलग होगा, क्यों,
क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादातर गैस पार्टिकल ज्यादा स्पीड से घूमेंगे, ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल मतलब पीक पॉइंट जो है वो पीक पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, पीक पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। और अगर आपने इस ग्राफ का इंटीग्रेशन किया सो एरिया अंडर दिस कर्व विल प्रोवाइड यू टोटल नंबर ऑफ गैस मोलेक्यूल्स जो कि टेम्परेचर के साथ बढ़ने नहीं वाले ना कि घटने वाले। गैस मोलेक्यूल का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, भले ही टेम्परेचर बढ़ा दो या टेम्परेचर घटा दो, ये फोटॉन्स नहीं है, ये गैस पार्टिकल्स है। ओके, तो इसके मतलब यहाँ पे देखिए विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ग्राफ विल स्प्रेड, इसके अंडर का एरिया मेंटेन करने के लिए ग्राफ स्प्रेड हो जाएगा, इसका पिक पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और हाइट कम हो जाएगी, और हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ भी याद रखना क्योंकि ये आपको गेस करने के लिए आता है, ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए आता है कि करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा अगर T1 और T2 के बीच में रिलेशन है तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जितने भी लोग वीडियो देख रहे। तो उसके बाद और एक पॉइंट हमारे पास है केटीजी के अंदर ही जो हम पढ़ जाते हैं वो है मीन फ्री पाथ। वो कौन सा पॉइंट है? मीन फ्री पाथ। ओके, तो उसके साथ हमारे पास एक छोटी अनाउंसमेंट है, MSCI 2024 टेस्ट सीरीज जस्ट एज ₹1 के लिए अवेलेबल है। यस, प्रिपरेशन साठी महाराष्ट्र, ओके, IFS मध्य महाराष्ट्र सा विश्वास। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज अवेल करने के लिए आपको IFS के वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, सिर्फ ₹1 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फॉर महाराष्ट्र सेट एग्जाम। ओके, सो विजिट www.ifsonline.com। अब आगे देखते हैं, मैं बात कर रही थी मीन फ्री पाथ की, हमारा कितने नंबर का पॉइंट है ये, 3 यहाँ पे हो गया। चलिए अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को ना लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, तो इस लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ के लैम्डा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है किसी ने भी, ये अलग है। या फिर इस लैम्डा को जो हम क्वांटम या क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंग्विश करने के लिए जो थर्मल मीन वेवलेंथ लेते हैं जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकते हो आप, उसके साथ भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, सो मीन फ्री पाथ जो है लैम्डा, इसका फॉर्मूला आता है, कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना, KBT बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर इनटू प्रेशर पी। डी क्या है यहाँ पे? डायमीटर ऑफ द गैस मोलेक्यूल, डायमीटर ऑफ गैस मोलेक्यूल्स, गैस मोलेक्यूल्स का डायमीटर। T is the temperature, उसके बाद P क्या है? प्रेशर। ओके, KB is the Boltzmann constant, you know। इस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर के टर्म्स में आप क्या ये जो लैम्डा है मीन फ्री पाथ कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को लिखने का दूसरा तरीका देखिए क्या है हमारे पास। ओके, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए हमारे पास PV is equals to nRT, ये होता है। ओके, अब N क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स, N डिवाइडेड बाय NA, n is number of moles which is n divided by n। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 मोल की बात करूं, for 1 मोल, तो 1 मोल में क्या होगा? अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में हमारे पास n is equals to na आ जाएगा, n is equals to na आ जाएगा। अगर n is equals to na आ गया तो PV equals to हमारे पास आ जाएगा NART, NART ये आ जाएगा, राइट? कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे बताना। PV is equals to RT, not NART, PV equals to RT आ जाएगा, ठीक? ओके, अब आप सभी को पता होगा कि R, जिन जिन लोगों को नहीं पता आप लिख लीजिएगा, अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और जो NA है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे KB into NA, तो हमें गैस कांस्टेंट मिलता है, तो हमें क्या मिलता है? गैस कांस्टेंट मिलता है। इसलिए मैं R को लिख सकती हूँ NAKBT, RT को लिख सकती हूँ NAKBT, इस तरीके से लिख सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया PV is equals to NAKBT, PV is equals to NAKBT। इसी से मैं लिख सकती हूँ P upon KBT is equals to NA upon volume V, NA upon volume V, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए ये जो लैम्डा का फॉर्म है, ये जो लैम्डा का फॉर्म है, इस लैम्डा के फॉर्म को हम नंबर डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। KBT अपॉन प्रेशर को पुट करना है हमें, क्या आ जाएगा ये देखिए, वॉल्यूम अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन ए, रूट टू पाई डी स्क्वायर एन ए, और इसी को हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम नीचे ले लो, ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर इनटू नंबर डेंसिटी। दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ नंबर डेंसिटी। तो मैंने उल्टा बताया आपको,
बहुत बार नंबर डेंसिटी से प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में जाते हैं, मैं प्रेशर टेम्परेचर से नंबर डेंसिटी के टर्म्स में आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये चीज समझ में आती है कि मीन फ्री पाथ, देखिए मीन फ्री पाथ जो सवाल आएंगे ना वो सवाल आपको ज्यादा ऐसा नहीं कि पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप ना विदाउट यूजिंग द पेन पेपर आप सीधा मीन फ्री पाथ के सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि देखिए मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डायमीटर स्क्वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डायमीटर स्क्वायर। और एक चीज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी से आप बता सकते हो कि अगर प्रेशर डबल हुआ, प्रेशर हाफ हुआ, प्रेशर क्वाड्रपल हुआ या फिर टेम्परेचर डबल हुआ। ओके, इस तरीके से सवाल आपको यही आएंगे मीन फ्री पाथ पे, टेम्परेचर डबल कर दिया, टेम्परेचर हाफ कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया, प्रेशर हाफ कर दिया, प्रेशर 8 times कर दिया, तो इस पर क्या असर होगा? तो इसके लिए ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी से आप सीधा बता सकते हो। तो फॉर्मूला इस तरीके से याद रखो, भले ही कंप्लीट फॉर्मूला भूल जाओ लेकिन प्रोपोर्शनलिटी से भी बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया मेन फ्री पाथ। अब थोड़ा हम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाते हैं। ओके, केटीजी में इतने ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ओके, उसके बाद आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो वो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं केटीजी के अंदर कि अगर मेरे पास Vx प्लस अल्फा Vy है, इस ब्रैकेट स्क्वायर का एवरेज बताओ, इस ब्रैकेट स्क्वायर का एवरेज बताओ। ये फेमस सवाल है और ये हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं ये सवाल, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है वो ब्रैकेट क्यूब पूछ लेंगे। ओके, या फिर अल्फा Vx प्लस बीटा Vy प्लस गामा Vz ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको ना ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब सभी को आता है ना? ऐसा कोई है जो एम एस सेट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर नहीं पता? नहीं है ना कोई भी? ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इस तरीके से पहले इसको लिख लो। ओके, एक चीज याद रखना कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है ना, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट का अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का एवरेज करोगे तो हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का एवरेज जीरो जाता है, स्क्वायर एवरेज नहीं, सिर्फ कंपोनेंट का एवरेज जीरो जाता है, स्क्वायर एवरेज जीरो नहीं जाता। तो पहले जो ऐसे विदाउट स्क्वायर कंपोनेंट है उनका सारे का एवरेज जीरो लिख दो, फिर स्क्वायर कंपोनेंट का एवरेज अगर आपको लिखना है Vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vz स्क्वायर, तो इसको लिखो KBT by M, इसको क्या लिखना है KBT by M लिखना है, फिर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतना चीज याद रखना कि Vx Vy Vz इनके इंडिविजुअल एवरेज जीरो आएंगे लेकिन उनके स्क्वायर एवरेज जीरो नहीं आएंगे, उनके स्क्वायर एवरेज जीरो नहीं आएंगे। ठीक, ओके, नाउ वी विल मूव टू द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले बेसिक में आपको ये पढ़ा जाता है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इतने बेसिक पे सवाल ज्यादातर नहीं आएंगे, एडवांस पार्ट मतलब एंट्रोपी पे ज्यादातर सवाल आएंगे आपको, या फिर कैलोरीमेट्री है तो हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक और उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पहला सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाया जाता है। ओके, आपको ना रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा ताकि बहुत सारे नए सवाल भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। रिपीटेटिव सवाल तो बहुत आते हैं एमएस सेट में, पीवाईक्यूज बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यू कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं आपको पहले। तो अगर आपको देखिए इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखना, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के तीन पार्ट्स आते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। इस पे अगर कोई सवाल पूछ लिया तो किस तरीके से पूछेंगे? सवाल ऐसे रहेंगे कि कोई सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं चेंज हो रहे, मैटर नहीं बदल रहा, ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे सिस्टम का नाम क्या हो सकता है? ऑब्वियसली एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए ताकि थ्योरेटिकल सवाल आप अटेम्प्ट कर पाओ। और एक चीज, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो तीन सिस्टम पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, ओपन सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर एंड एनर्जी दोनों भी ट्रांसफर करती है ना? ओके, कैनोनिकल में हमारे पास एनसेम्बल है तीन। ओके, देखिए कैनोनिकल में सबसे पहला एनसेम्बल माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा कैनोनिकल, चौथा तीसरा आता है ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल में हम ऐसे सिस्टम का कलेक्शन लेते हैं जो कि
केमिकल पोटेंशियल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज कर सके, और उसमें ग्रैंड केमिकल को हम कैरेक्टराइज करते हैं टी वी म्यू, यानी जिसका टेम्परेचर अलग अलग है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, म्यू अलग अलग है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर होगी। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम है, इन सारे सिस्टम का अगर हम ग्रुप बनाएंगे, अगर मैंने सारे ओपन सिस्टम का ग्रुप ले लिया, फिर ओपन सिस्टम के बहुत सारे कलेक्शन ले लिया, सो इट विल फॉर्म एन एंसेंबल, और वो एंसेंबल होगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। अगर मैंने सारे क्लोज सिस्टम का कलेक्शन ले लिया, ओके, तो वो एंसेंबल बनाएगा, और क्लोज सिस्टम में सिस्टम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर ट्रांसफर नहीं करती, ओके, तो ये बनेगा हमारा कैनोनिकल एंसेंबल। अगर मैंने सारे आइसोलेटेड सिस्टम का कलेक्शन ले लिया तो वो बनता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है, ताकि इस पर जो भी थ्योरेटिकल सवाल आए वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, देखिए एक्सटेंसिव क्वांटिटीज मतलब क्या, द क्वांटिटीज विच चेंजेस, जिनकी वैल्यू चेंज होती है अगर सिस्टम की साइज चेंज हुई तो उसको हम एक्सटेंसिव क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, ओके, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का अगर आप रेशियो लगे तो वो इंटेंसिव बन जाएगा, वो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके, ये इंपॉर्टेंट रूल याद रखना। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, डेंसिटी, कैसे, सपोज आपके पास ना घर पे बकेट में पानी भरा हुआ है, हुँ? आपने पहले उसमें से थोड़ा एक कप पानी लिया, उसकी डेंसिटी चेक की, फिर दो कप पानी लिया, उसकी डेंसिटी चेंज की, चेक की, तो डेंसिटी तो सेम ही आएगी। इसका मतलब डेंसिटी साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। सिस्टम की साइज बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ना है ना, तो इसकी वजह से दोनों, देखिए मास एंड वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव बिहेवियर चला जाएगा तो हमारी डेंसिटी जो यहाँ पे है वो इंटेंसिव आएगी नेचर में। तो याद रखना एक्सटेंसिव के हमारे पास एग्जाम्पल है सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, कौन कौन से, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद हीट कैपेसिटी, उसके बाद एक्सटेंसिव क्वांटिटी हमारे पास आती है एंट्रोपी, ओके, वॉल्यूम एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, मास ऑफ द सिस्टम ही एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, और एक्सटेंसिव क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है, देखिए ये हो गया नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, ये भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, हीट खुद एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, इतनी सारी एक्सटेंसिव क्वांटिटी रहती है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, तो भूलना नहीं है एक्सटेंसिव क्वांटिटी क्या होती है। इंटेंसिव क्वांटिटी कौन सी है भाई, इंटेंसिव क्वांटिटी जो कि साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम की साइज कितनी भी बढ़ जाए उनको हम इंटेंसिव क्वांटिटी, हाँ ठीक है, ये तो एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल नहीं, इंटेंसिव का आ जाएगा, दिस वन इज इंटेंसिव एंड दिस वन इज एक्सटेंसिव, दिस वन इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, ठीक है, ओके। अब इंटेंसिव क्वांटिटीज मतलब जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, इसके एग्जाम्पल अगर आपको देने हैं इंटेंसिव क्वांटिटीज के, तो इसके एक एग्जाम्पल है प्रेशर, टेम्परेचर, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, में इसको सी सफिक्स एम लिखती हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके बाद प्रेशर एक इंटेंसिव क्वांटिटी है सुमित, प्रेशर इज अ इंटेंसिव क्वांटिटी, उसके बाद हीट, मोलर हीट कैपेसिटी आती है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दो आप उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मास जो आती है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एट एनटीपी लिखती हूँ मैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी एग्जाम्पल है इंटेंसिव क्वांटिटीज के, ये सारे इंटेंसिव क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। उसी के साथ पार्ट डिपेंडेंसी एंड स्टेट डिपेंडेंसी सबको पता है, पार्ट डिपेंडेंट मतलब जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के अलावा जिस पाथ से सिस्टम ट्रेवल हुई उस पर डिपेंड करेंगे,
थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ दो ही क्वांटिटी पार्ट डिपेंडेंट है, याद रखना दिमाग में एकदम क्लियर कट याद रखना कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो ही क्वांटिटी पार्ट डिपेंडेंट है, वो है हीट एंड वर्क। कौन कौन सी है? हीट एंड वर्क। और स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी बाकी जितनी भी बचती है वो सारी स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे उनका आंसर डिपेंड करता है। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ रही है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो किसी साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शंस, सारी स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इनमें चेंज जीरो आता है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस ऑल द स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी स्टेट फंक्शंस चेंज इज जीरो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए ये हीट और उसके टाइप्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज कैलोरीमेट्री, विच इज कैलोरीमेट्री। देखिए कैलोरीमेट्री एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज को थर्मल कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ओके, एक बॉडी हीट लूज करेगी जो हाई टेम्परेचर पे है, सेम अमाउंट की दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी अगर वहां पे कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो सिंपली कैलोरीमेट्रीज को हमें ये लिखना है फॉर एन सिस्टम्स, अगर हम एन अलग अलग टेम्परेचर के सिस्टम को थर्मल कॉन्टैक्ट में ले रहे हैं, सो समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम वन से लेके एन तक क्यू आई शुड बी इक्वल्स टू जीरो। सारे हीट ट्रांसफॉर्मेशन की समेशन यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि एक हीट लॉस्ट करेगी तो ऑब्वियसली उसके कॉन्टैक्ट में दूसरे सिस्टम हीट गेन करेगी। इस पे जो सवाल आएंगे वो ऐसे आएंगे, 30 ग्राम ऑफ वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, उसमें 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दी, व्हाट इज द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो कैलोरीमेट्री में आपको हमेशा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है, और अगर सीधा सीधा सवाल कैलोरीमेट्री का नहीं है तो एंट्रोपी में भी आपको पहले कैलोरीमेट्री अप्लाई करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ता है, और फिर आप एंट्रोपी चेंज सिस्टम का फाइंड आउट करते हो, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर रखना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करके निकालना पड़ता है। इसके रिलेटेड हमने सेम चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स लिए हैं जहाँ पे कैलोरीमेट्री के बहुत सारे एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं, तो आप वो एक बार देख लेना किस तरीके से कैलोरीमेट्री के एग्जांपल अटेम्प्ट करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, ओके। उसी के साथ देखिए अब आगे चलते हैं, वर्क डन वगैरह सभी को पता है। अब थोड़ा सा मैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तो आप 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्या क्या चीज एमएससी लेवल में ऐड होती है वो देखते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, सबसे पहला थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली प्रोसेस जो कि हम पढ़ते हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एन आइडियल गैस वी कैन राइट डाउन दिस आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन के फॉर्म में, मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस का इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दूं तो पी वी इक्वल्स टू आर टी, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है तो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो मैथमेटिकली मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ओके। वर्क डन क्या होता है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में? फिर वर्क डन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी है, अगर वी वन से लेके वी टू तक जा रहा है, सो इट इज बिकम इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, के अलावा यहाँ पे लिखूंगी एन आर टी अपॉन वॉल्यूम वी इंटू डी वी, वी वन से लेके वी टू तक जा रहा है, सो आएगा एन आर टी एल एन ऑफ वी फ्रॉम वी वन से लेके वी टू तक। तो फाइनली आपके पास आएगा वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज नंबर ऑफ पोल्स आर टेम्परेचर टी एल एन ऑफ v2 by v1 which is equals to nRT ln of p1 by p2, इस तरीके से आप आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। और एक चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फॉर अ गैसेस सिस्टम इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, थर्मल काइनेटिक एनर्जी मोलेक्यूल्स को मिलती है, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज रहा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। सो बाय फर्स्ट लॉ we can write down delta q is equals to delta w। so isothermal process में अगर मैं pressure versus, देखिए pressure versus, ये pressure है, ये volume है, ये origin है, और यहाँ पे मैं plot कर रही हूँ entropy
ये टेम्परेचर है, ये रिजर्व है, दोनों भी प्लॉट आपको समझने हैं अच्छे से। आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर मैं ग्राफिकल प्लॉट करूंगी, इंडिकेटर डायग्राम में इसको प्लॉट करूंगी, तो इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा, वॉल्यूम वी वन से लेके वॉल्यूम वी टू तक, या फिर आप बोलोगे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये कर जा रहा है, इसके अंडर का एरिया पी वी प्लॉट में, ये जो एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे वी वन से लेके वी टू तक, इट विल बी प्रोवाइडेड डेल्टा डब्ल्यू, ये हमें कितना वर्क डन हुआ एट टेम्परेचर टी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, अगर आइडियल गैस वॉल्यूम वी वन से लेके वी टू तक चेंज कर रहा है। और इसी को अगर मैंने टी एस डायग्राम में प्लॉट किया, तो टी एस डायग्राम में क्या है, टेम्परेचर टी पे देखिए, टेम्परेचर टी पे अगर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन हो रहा है सिस्टम का, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अब जरा सोचो, कोई ऐसे सिस्टम एक्सपांड कर रही है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे उसको हीट बाहर से मिल रही है, अपना टेम्परेचर एक्सपांड होते हुए कॉन्स्टेंट मेंटेन करना। कई बार क्या होगा, आप एक्सपांशन देखते हो तो उसके साथ कूलिंग भी दिखाई देता है, टेम्परेचर घटते हुए दिखाई देगा, लेकिन सिस्टम एक्सपांड होते हुए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रख रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसका मतलब अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे सिस्टम में हीट ऐड होगी, तो हीट हमारे पास होती है टीडीएस, तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, ये जो कर है ये स्ट्रेट लाइन जाएगा पैरेलल टू एंट्रोपी एक्सिस फ्रॉम एस वन से लेके एस टू तक, फ्रॉम एस वन से लेके एस टू तक। तो इसके अंडर का कर अगर आप कैलकुलेट करोगे, या फिर इसके अंडर का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी प्रोवाइड यू डेल्टा क्यू, कितनी हीट चेंज हुई है इंटीग्रेशन टी डी एस फ्रॉम एस वन से लेके एस टू तक, फ्रॉम एस वन से लेके एस टू तक। इस तरीके से याद रखना कि आप पीवी डायग्राम के अंदर जो भी एरिया निकालते हो, दैट विल प्रोवाइड यू वर्क डन, एंड टीएस डायग्राम के लिए जितना भी एरिया आप कैलकुलेट करते हो, वो हमें हीट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें हीट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये हो गया हमारी पहली प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कैसे लगे आइसोथर्मल प्रोसेस एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड है, आइसोथर्मल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो सेकंड मोस्ट आती है वो है एडियाबेटिक। वो क्या है, एडियाबेटिक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करके हम इसी का गामा कैलकुलेट करते हैं, एटोमिसिटी, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर से वही बात कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है, रियल गैसेस में पीवी का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, प्रेशर में करेक्शन, वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस को पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इस तरीके से डिनोट कर लूं, तो फॉर एन एन मोल ऑफ आइडियल गैस वी हैव पीडीवी इज द इंटीग्रेशन जो वी वन से लेके वी टू तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए इंटीग्रेशन प्रेशर के अलावा मैं यहाँ पे लिखूंगी सम कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय वी की पावर गामा डीवी, वी वन से लेके वी टू तक इंटीग्रेशन। तो ये के कांस्टेंट आ जाएगा वी की पावर माइनस गामा प्लस वन, लिमिट जाएगी हमारे पास वी वन से लेके वी टू तक, वी वन से लेके वी टू तक। तो आपके पास आंसर देखिए कितना आ जाएगा। ओके, मुझे पीडीवी लिखना है ना एक्चुअली, ये प्रेशर को पुट करते समय कॉन्स्टेंट के बाय वी की पावर गामा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट के, यहाँ पे टर्म आ जाएगी वी की पावर माइनस गामा प्लस वन वी टू। ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वन माइनस गामा कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस वी वन की पावर माइनस वन प्लस वन, इस तरीके से। सबको ये वर्डन पता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई है जिसको आइडियाबेटिक का वर्डन कैसे निकालना है पता नहीं है। मैंने एक आइडिया यहाँ पे दे दिया आपको, इसको हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, एन आर डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन, और वी कैन राइट डाउन दिस एज पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो वर्कडन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन। ओके, अब ना देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, तो ग्राफिकली प्लॉट एडियाबेटिक प्रोसेस का कुछ इस तरीके जाता है, ये वॉल्यूम, ये ओरिजिन, ये प्रेशर, सपोज ये पॉइंट है इनिशियली ए पॉइंट, ए पॉइंट से सिस्टम एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रही है, मतलब एडियाबेटिकली मतलब उसमें कोई हीट तो ऐड नहीं हो रही, हीट तो ऐड नहीं हो रही। अब देखिए इससे पहले आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना था एक्सपांशन में, तो हीट ऐड होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे एडियाबेटिक मतलब हीट कांटेक्ट कंप्लीटली जीरो,
हीट कॉन्टेक्ट बंद कर दिया है और सिस्टम एक्सपांड भी हो रही है तो ऑब्वियसली कूलिंग होगा। तो यहाँ पे सपोज कुछ प्रेशर पी वन, एक्सपांशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और ग्राफ जो आपका है वो इस तरीके से आएगा। देखिए वी वन से लेके वी टू तक जाएगा, यहाँ पे से पी वन से लेके पी टू तक जाएगा, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर टी वन है तो यहाँ पे टेम्परेचर टी टू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कूलिंग भी हो रही है, कूलिंग भी हो रही है सिस्टम की। एडियाबेटिक एक्सपांशन इस तरीके से आएगा, एडियाबेटिक एक्सपांशन इस तरीके आएगा, कंप्रेशन इसका एरो उल्टा कर देंगे। तो देखिए इसके अंडर का एरिया हमें वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ओके। और फिर अगर मैं इसको टीएस डायग्राम में प्लॉट करूंगी तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट। अब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मतलब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा कर्व है जिसके अंडर का एरिया जीरो आता है? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एस इक्वल्स टू जीरो, यानी या फिर डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब डी एस इक्वल्स टू जीरो। तो डी एस इक्वल्स टू जीरो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक एस नॉट एंट्रोपी है, कॉन्स्टेंट एंट्रोपी पे सिस्टम का एक्सपांशन है, टेम्परेचर घट रहा है, तो इस तरीके से आएगा। टेम्परेचर टी वन से लेके टी टू तक डिक्रीज होने तक सिस्टम एक्सपांड होगी और ओके इस तरीके से एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा, एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा। तो टी एस डायग्राम में हम एडियाबेटिक प्रोसेस को इस तरीके से लिख सकते हैं, टी एस डायग्राम में हम एडियाबेटिक प्रोसेस को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब थर्ड प्रोसेस देखते हैं हम आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस देखते हैं। उससे पहले हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, टारगेट एमएससेट 2024 एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज एट रुपीज वन ओनली, रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द आईपीएस वेबसाइट, ठीक है, ओके। अब देखिए थर्ड प्रोसेस हम देखते हैं यहाँ पे आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखिए आइसोबैरिक मतलब जिसमें क्या है भाई, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें प्रेशर कॉन्स्टेंट देना है, प्रेशर कांस्टेंट देना है, इसका मतलब देखिए अब ऑब्वियसली बात है कि वर्क डन यहाँ पे सिंपली प्रेशर कांस्टेंट वी टू माइनस वी वन, यही वर्क डन आएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में। अगर इस आइसोबैरिक प्रोसेस को मैं पीवी डायग्राम पे प्लॉट करूंगी तो ये बहुत आसान होगी प्लॉट करने के लिए। क्यों? कि कांस्टेंट प्रेशर पी नॉट पे हमारे पास सिस्टम को वॉल्यूम वी वन से लेके वी टू तक एक्सपांड करना है, वी वन से लेके वी टू तक हमने सिस्टम को एक्सपांड किया कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब इसी को ना टीएस डायग्राम में कैसे लेके जाए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए जरा अब मुझे बताइए कि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट कैपेसिटी निकालते वक्त भी हमें कांस्टेंट प्रेशर ही लिखना पड़ेगा, यानी सीपी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए डी क्यू को हम लिखते हैं यहाँ पे सीपी डी टी, डी क्यू क्या क्या लिखते हैं हम यहाँ पे सीपी डी टी लिख रहे हैं, ओके। हाँ अब डी क्यू तो हमारे पास टी डी एस के भी बराबर है, डी क्यू तो हमारे पास टी डी एस के भी बराबर है, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा कंपेयर करके बताती हूँ ताकि आपको दोनों भी प्रोसेस साथ में हो जाए और समझ में भी आ जाए। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता, जितनी हीट है उतनी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ओके। अब इसका जो प्लॉट आता है ना पीवी डायग्राम में वो कुछ ऐसे आता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, भले ही सिस्टम देखिए P1 प्रेशर से P2 प्रेशर तक चेंज हो जाए, वॉल्यूम कोई बदल नहीं रहा है इस तरीके से, तो इसके अंडर कोई एरिया भी नहीं आता, ओके। अब मैं बात करी, देखिए यहाँ पे हम DQ को लिखेंगे भाई CV DT which is equals to TDS, which is equals to TDS, ओके, हाँ गुड। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे dt by t is equals to क्या लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द करंट ts डायग्राम इज dt by ds is equals to t upon cp, दिस इज स्लोप इन ts डायग्राम, ओके। और ये रहा हमारे पास dt by ds is equals to t upon cp, दिस इज स्लोप इन, ये स्लोप किसमें हुआ, ये हुआ स्लोप इन ts डायग्राम का, है ना। टीएस डायग्राम में वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, इस तरीके से। तो अगर देखिए हमें पता है, सिंस मुझे बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ आप लोग भी बताओ, सीपी और सीवी में आइडियल गैस में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होता है, मुझे टीएस डायग्राम में इनका प्लॉट करना है, तो कंपेयर करके प्लॉट करेंगे तो ज्यादा अच्छा अच्छे से याद रहेगा। देखिए TS, CP और CV में मेरा सवाल ये था कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, CP का या CV का,
किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है जरा बताना, सीपी का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है आइडियल गैस के लिए, सीवी का मैग्नीट्यूड किसी के भी लिए क्या, क्योंकि हमारे पास जनरल रिलेशन सीपी माइनस सीवी का पी इंटू डेल वी बाय डेल टी, डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डेल बी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ऐसे रहता है ना, तो हमेशा सीपी क्या आएगा ग्रेटर देन सीवी आएगा, सीपी क्या आएगा ग्रेटर देन सीवी आएगा, चाहे वो आइडियल गैस है क्या हो चाहे वो रियल गैस है। तो सीपी अगर ग्रेटर देन सीवी आएगा इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि सीवी तो वही कम है, सीवी तो डिनोमिनेटर में है स्लोप के, तो इसका मतलब स्लोप एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू स्लोप एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनली हीट कैपेसिटीज को, और यहाँ पे सीपी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है सीवी के, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो स्लोप आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू स्लोप एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर अ टीएस डायग्राम, फॉर अ टीएस डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए मैं टीएस डायग्राम प्लॉट कर रही हूँ, दिख रहा है क्या मुझे बताना एक बार, छोटे से साइज में यहाँ पे टीएस डायग्राम, या फिर यहाँ पे कर देते हो प्लॉट। चलो ये रहे टीएस डायग्राम, ये एंट्रोपी, ये टेम्परेचर, ये ओरिजिन, सपोज ये इनिशियल पॉइंट ए है। अब इस इनिशियल पॉइंट से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, किसका है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये आएगी एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, और उसके कंपेयर में दूसरा कौन सा है कॉन्स्टेंट प्रेशर का, उसका स्लोप कम है तो वो ऐसे जाएगा, तो ये आएगा आपका पी कॉन्स्टेंट और ये आएगा हमारा वी कॉन्स्टेंट, इस तरीके से। कैसे किया मैंने, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्टीपनेस वहां पे ज्यादा आएगा ना, तो इसलिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे स्लोप ज्यादा है, तो लोअर ग्राफ हमारा आइसोकोरिक का आएगा और अपर ग्राफ हमारा आइसोबैरिक का आएगा। इसीलिए देखिए हमारे पास पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कर्नोट साइकिल अगर आपने पढ़ी होगी तो एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल का ज्यादा यूज होता है। तो एडियाबेटिक आइसोथर्मल सबसे इजी प्लॉट होता है स्ट्रेट लाइन प्लॉट टीएस डायग्राम में। तो हम पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम में किस लिए जाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे पास है उसको इजिली प्लॉट कर सके। कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इनकी प्रोसेस हम ज्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है, यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है क्या, यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है क्या बताओ जरा कमेंट करके। चार प्रोसेस हो गए, उनके चारों प्लॉट भी हो गए आसानी से। ठीक है, ओके। अब ना मैं थोड़ा सा कर्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस करती हूँ, कोई बात नहीं, अगर हमारा आज स्टैटिस्टिकल नहीं हुआ तो कल के सेशन में मैं स्टैटिस्टिकल आके पहले उसके सारे फॉर्मूले करवाऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए कर्नोट साइकिल के बारे में सभी को पता है, कर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हम लिखते हैं एज 1 माइनस टी टू बाय टी वन वेयर टी टू इज लेस देन टी वन, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से एज वेल एज कर्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो इसमें मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्यू वन बाय टी वन इक्वल्स टू क्यू टू बाय टी टू, क्यों, क्योंकि ये क्लॉशियस इनइक्वालिटी से आता है। क्लॉशियस इनइक्वालिटी क्या रहती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाय टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इट इज स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू जीरो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड लेस देन जीरो फॉर अ इरिवर्सिबल और नेचुरल प्रोसेस, ये क्लॉशियस इनइक्वालिटी है। ठीक है, कर्नोट साइकिल का डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर हम करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ओके, तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन किस में होगा, हीट इंजिन में, हीट इंजन में, ओके। और इसका अगर मैं रिवर्स एप्लीकेशन करूंगी, रिवर्स एप्लीकेशन, तो इसका रिवर्स एप्लीकेशन किस में होगा भाई, हीट पंप, जिसको आप रेफ्रिजरेटर बोलते हो, ओके, हीट पंप जिसको आप रेफ्रिजरेटर बोलते हो। जितने लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं लेक्चर देखते हैं तो आप लाइक भी कर दो, लाइक करने में क्या जाता है, चलो फटाफट मुझे जितने व्यूअर्स है उतने लाइक दिखने चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे ना कर्नोट साइकिल का डायरेक्ट एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा है हीट इंजन है, और इसका रिवर्स एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है। तो हीट इंजन में आप इफिशियंसी निकालोगे हमेशा 1 माइनस टी टू बाई टी वन, लेकिन रेफ्रिजरेटर में आप जब भी कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो वहाँ पे 5 स्टार 3 स्टार लिखा जाता है ना, तो वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से, इसको अल्फा से हम डिनोट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी। ओके, एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइंड होता है जैसे कि इफिशियंसी होती है टोटल वर्क डन अपॉन इनपुट हीट, हीट इनपुट दिस इज इफिशियंसी,
ओके तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कैसे. देखिए रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी एज अ वर्क का काम करती है, ठीक है. इनपुट इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, आउटपुट हमारे पास ये है कि हम चीजों को कितना ठंडा कर सके, मतलब उसमें से हीट निकालना चाहिए हमें, लोअर टेम्परेचर पे उससे हीट निकालना ही आने. ये आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय W, ठीक है. तो आप चाहिए तो इन दोनों में रिलेशन भी लिख लीजिएगा. कैसे लिखेंगे रिलेशन देखिए, कैसे रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे. अल्फा इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ये आता है, ठीक है. ओके उसके बाद क्या आता है, देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, इसको मैं लिखती हूँ Q2 बाय Q1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1. सिंस दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कर्नोट साइकिल विच इज रिवर्सिबल, सो Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2 होता है. इसी से आप लिख सकते हो Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1. तो ये आ जाएगा T2 अपॉन T1, ये क्या आ जाएगा T2 अपॉन T1 डिवाइड बाय 1 माइनस T2 अपॉन T1. सो फाइनली मैं इसको लिख सकती हूँ अल्फा बिकम इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय ईटा. T2 अपॉन T1 को मैं पुट करती हूँ 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा. तो ये फॉर्म है जिससे आप इफिशियंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को रिलेट कर सकते हो, इफिशियंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को रिलेट कर सकते हो. इस पे जो सवाल आएंगे आपको रेफ्रिजरेटर में, वो नॉर्मली ना कोल्ड स्टोरेज के बारे में आते हैं, मतलब किसी कोल्ड स्टोरेज में आइस रखी है, वो अपने आप मेल्ट हो रही है, कोल्ड स्टोरेज की मोटर बंद है. ओके उस आइस को मेल्टिंग से रोकने के लिए हमें कितना यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, इस तरीके से सवाल आते हैं. तो ये सवाल चैलेंजिंग क्यों है, 11 12 से तो आप कर्नोट साइकिल पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मास्टर में भी वही पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब कुछ तो चेंज होगा. इसके सवाल चैलेंजिंग इसलिए रहते हैं ताकि आप समझ पाओ एग्जैक्टली हीट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है. इसमें चैलेंज ये रहता है कि हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो Q1 है या Q2 है, ये समझ लें. इसके लिए आपको इसके सवाल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, PYQs लगाओ कर्नोट साइकिल पे, ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है. उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. देखिए कर्नोट के प्रिंसिपल, कर्नोट साइकिल का इस्तेमाल करके जो सैडी कर्नोट थे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताए थे, उस पर थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है. कर्नोट प्रिंसिपल देखिए, कर्नोट प्रिंसिपल क्या है हमारे पास. सबसे पहले कर्नोट प्रिंसिपल ये कि जब भी आप दो इंजन को पढ़ रहे हो या फिर दो साइकिल्स को पढ़ रहे हो, उसमें से एक रिवर्सिबल है और दूसरी इरिवर्सिबल है, तो हमेशा इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ग्रेटर रहेगी इरिवर्सिबल के कंपेयर में. क्यों? क्योंकि इफिशियंसी ये वर्क अपॉन इनपुट हीट रहती है, इरिवर्सिबल में हीट लॉस्ट होता है तो ऑब्वियसली उसमें वर्क कम होगा, तो इसीलिए रिवर्सिबल की इफिशियंसी ज्यादा आएगी इरिवर्सिबल के कंपेयर में. दोनों में क्या डिफरेंस है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल में डायरेक्ट चेंज एंड रिवर्स चेंज सेम होता है, इरिवर्सिबल में वहां पे हीट लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट की वजह से डायरेक्ट चेंज रिवर्सिबल सेम नहीं होता. उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अगर हम सेम सोर्स और सिंक के बीच में, मतलब देखिए ये हमारे पास एक सोर्स है और हमारे पास एक सिंक है, अगर हम सेम सोर्स और सिंक के बीच में बहुत सारी साइकिल्स लगाएंगे और सारी की सारी साइकिल्स जो है वो रिवर्सिबल अगर रहेगी, 1 एंड 2 आर रिवर्सिबल, तो सेम सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर T1 T2 तो सेम ही रहेगा. इफिशियंसी फाइनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती. ये भी सवाल आया था एक बार कि भाई क्यों मैं चेक करना, वर्किंग सब्सटेंस जो है कर्नोट साइकिल में वो आइडियल गैस के अलावा रियल गैस लग गया तो इफिशियंसी पे क्या असर होगा. ओके तो वर्किंग सब्सटेंस पे ये डिपेंड नहीं करती. तो देखिए यहाँ पे जब तक सोर्स और सिंक के टेम्परेचर सेम है तो इफिशियंसी और इफिशियंसी फर्स्ट और सेकेंड सिस्टम की सेम आएगी, फर्स्ट और सेकेंड सिस्टम की सेम आएगी. उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारे पास कर्नोट प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास सपोज मान लो कि एक सोर्स है जो कि टेम्परेचर T1 पे है, फिर हमारे पास एक सिंक है जो कि टेम्परेचर T2 पे है, फिर से हमारे पास एक सिंक है. ओके मुझे बताइए सिंक और सोर्स ये क्या है, सिंक और सोर्स क्या है, सिंक सोर्स ये सारे सराउंडिंग के पार्ट है, ये कोई अलग बॉडी नहीं है, ये सराउंडिंग के ही पार्ट है जिनकी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बहुत ज्यादा है फिर बहुत कम रहेगा, रिलेटिव है. कोई सिंक सोर्स का काम भी कर सकती है अगर उसके बगल में हम बहुत लो टेम्परेचर की कोई चीज रख दे तो. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सोर्स है लेकिन सिंक दो अलग अलग है. ओके
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हीट लॉस्ट करेगा वो सोर्स, जिसका टेम्परेचर कम वो हीट एब्जॉर्ब करेगा दैट इज सिंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से एक चेन बनाई और इस चेन में ना मेरे पास यहाँ पे S1 सिस्टम है, फिर ये कुछ W1 वर्क करिए, Q1 अमाउंट की हीट इंजेक्ट करिए खुद में एंड Q2 रिजेक्ट करिए, एग्जैक्टली उतनी अमाउंट की हीट सपोज सेकेंड सिस्टम अपने अंदर ले रही है जो कि W2 वर्क करिए और Q3 रिजेक्ट करिए। तो आप सभी को पता है फर्स्ट सिस्टम की, फर्स्ट साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस टी टू बाई टी वन और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस टी थ्री बाई टी टू। ओके, लेकिन आपको सवाल आता है, ये सवाल आ चुका है बहुत सारे पीवाईक्यू एग्जाम में, तो सॉरी एमसीक्यू एग्जाम में, कि अगर इस तरीके से चेन बनाई गई एन बहुत सारे एन सिस्टम्स की तो ओवरऑल कंपोजिट सिस्टम की एफिशिएंसी क्या रहेगी। तो याद रखना कि इस कंप्लीट इसका कंपोजिट सिस्टम की जो एफिशिएंसी आएगी दैट इज नथिंग बट ईटा, और ये डिपेंड करेगी इनिशियल सोर्स का टेम्परेचर एंड फाइनल सिंक का टेम्परेचर यानी टी थ्री बाय टी वन। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कर्नोट साइकिल के, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल किसके हैं, कर्नोट साइकिल के, तो ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमारा जो बाकी का पार्ट बचता है, जैसे कि थर्मो में अभी भी हमारे पास टॉपिक है जो चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो, उनके डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे मैक्सवेल रिलेशन, उनका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग और हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो अभी हमारे पास इसी सेशन में शिवम त्यागी सर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, वो आपको नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं कल सुबह 10 बजे सेम थर्मोडायनेमिक्स का बचा कुचा टॉपिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो रेडी रहना, कहीं पे कोई कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।
हेलो 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 बोलिए। इसमें तो आना चाहिए तो। हेलो 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 नहीं इसमें तो ये साउंड आ रहा है मेरा। हेलो तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी IFS। तो गाइस, इस क्लास में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे उनका एक एक दो दो क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रो स्टेटिक्स से, ठीक है। इलेक्ट्रो स्टेटिक्स देखिए, इलेक्ट्रो स्टेटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हमें बताता है। तो कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ है जो, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r² ठीक है, इंटू आर कैप। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अभी ऑडिबल है क्या साउंड? एम आई ऑडिबल नाउ? चलिए, इसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक यहाँ पे आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बेसिकली क्या होता है, देखिए, जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही इसी को बोलते हैं हम आपका, इसको बोलते हैं फो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका आ जाता है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है इक्वल टू F/Q। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r के। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका जो गॉस लॉ है, ठीक है, गॉस लॉ आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका लैपलास इक्वेशन है और पॉइजन इक्वेशन है इनसे रिलेटेड बेसिकली ये
इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए एक बार इनको देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आप, जो गॉस लॉ है बेसिकली दिस इज गिवन बाय फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज गिवन बाय, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है ठीक है इस टाइप से, और इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू, तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ चार्जेस एंड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो देखिए पोटेंशियल क्या है, वी इज इक्वल टू वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अब जो पॉइजन इक्वेशन है ठीक है, दिस गिव्स द, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो लैप्लास, ये तो है आपका पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, और जो आपका लैप्लास इक्वेशन है दैट इज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं हम लैप्लास इक्वेशन। इसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल में, दिस गिव द रिलेशन माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अगर हमें किसी सिचुएशन में पोटेंशियल दे रखा है फाई आर इज इक्वल टू फाई नोट ई की पावर माइनस आर बाई आर नोट, और हमें पूछा जाए कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमें बताना है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा एट आर इक्वल टू आर नोट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अपना पॉइजन इक्वेशन ठीक है। यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन क्या होता है एक बार इसको देखिए, पॉइजन इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर फाई दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका पॉइजन इक्वेशन। इसको आप यूज करिए और देखिए आपका रो का क्या वैल्यू आता है, रो मतलब चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हमें पोटेंशियल गिवन है, चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें दे रखा है, तो देखिए डेल स्क्वायर फाई दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट है आर ठीक है, तो हम आर वाला ही जो कॉम्पोनेंट है उसको लिखेंगे यहाँ पे वन बाय आर स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे आएगा आपका आर स्क्वायर और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू आर इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है इस इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए फाई हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, फाई हमें गिवन था क्या, फाई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई आर नॉट, ये गिवन था हमें फाई इज इक्वल टू फाई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई आर नॉट, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आएगा वन बाई आर स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा फाई नोट ई की पावर माइनस आर बाई आर नोट अपॉन में विद रेस्पेक्ट टू आर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नोट। इसका एक बार डेरिवेटिव करिए और देखिए क्या आंसर आपका आता है। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो देखिए ये क्या आएगा माइनस वन बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका फाई नोट आर नोट, और नीचे आएगा आपका टू आर ई की पावर माइनस आर बाई आर नोट माइनस आर स्क्वायर बाई आर नोट ई की पावर माइनस आर बाई आर नोट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नोट, दिस इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नोट। यहां से अगर हमें चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है आर इक्वल टू आर नोट पे, चार्ज डेंसिटी हमें बताना है, तो आर को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे आर नोट से, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा फाई नोट अपॉन में आर नोट की पावर 3, और इधर आएगा 2 R नोट ई की पावर -1 माइनस आर नोट ई की पावर -1, एंड दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहां से देखिए 2 R नोट ई की पावर -1 से अगर आर नोट ई की पावर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका आर नोट ई की पावर -1। तो यहाँ से चार्ज और डेंसिटी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू फाई नोट एप्सिलॉन नोट अपॉन में नीचे आएगा आर नोट स्क्वायर इंटू ई। तो इतना चार्ज डेंसिटी होगा उस रीजन में, यानी कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, पॉइजन इक्वेशन का यूज करके अपना चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है आपका मल्टीपोल एक्सपेंशन। यहाँ पे पोल्स होते हैं, आपका एक मल्टीपोल होता है, एक आपका होता है ड्राइपोल और दूसरा होता है क्वाड्रोपोल, एक होता है ऑक्ट्रोपोल। तो इनके लिए पोटेंशियल जो और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन, देखिए यहां पे लिखेंगे हम पोल, यहां पे पोटेंशियल और यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स के लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आर पे डिपेंड करते हैं वो हम यहां पे देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो पोल है हमारा वो है मोनोपोल, मोनोपोल, फिर है आपके लिए डायपोल, फिर है क्वाड्रोपोल और फिर आता है ऑक्टोपोल। तो अगर मोनोपोल की बात करें, ठीक है, एक सिंगल चार्ज रिप्रेजेंट करता है आपका मोनोपोल को, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है। और मोनोपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 2 के, ठीक है। डायपोल की बात करें तो डायपोल का जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं होता, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 2 के, ठीक है। डायपोल के लिए जो पोटेंशियल है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2 के। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस होती है आर पे वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 के, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रोपोल की बात। तो क्वाड्रोपोल के केस में जो पोटेंशियल है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 3 के। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका आर की पावर 4 के। ऑक्टोपोल के केस में आपका पोटेंशियल जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 के और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका आर की पावर 5 के। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास ऑक्टोपोल है, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या डिपेंडेंस है उसकी आर की वैल्यू पे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जो उसकी डिपेंडेंस है आर पे वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5, ठीक है। अगर क्वाड्रोपोल की बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 4 के, डायपोल है आर की पावर 3 और मोनोपोल यानी कि जो सिंगल चार्ज है, ठीक है, उसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोलराइजेशन की, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स आपने पढ़े होंगे, तो पोलराइजेशन क्या है वहां पे हम एक बार देखेंगे। देखिए पोलराइजेशन ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो। पोलराइजेशन आपका क्या होता है, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, दिस इज
इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। अब ये इंड्यूस डायपोल मोमेंट कहाँ से आता है? देखिए डायलैक्ट्रिक के केस में, अगर डायलैक्ट्रिक की हम बात करें तो डायलैक्ट्रिक को जब आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग हो जाएगी और एक तरीके से वहां पे आपका एक डायपोल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो डायपोल वहां पे है तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये जो डायपोल जनरेशन यहाँ पे हुआ है और उसकी वजह से क्या हुआ, एक डायपोल मूवमेंट, तो ये इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो डायपोल मूवमेंट है ये इंड्यूज हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसको बोलेंगे हम इंड्यूज डायपोल मूवमेंट। और यही जो इंड्यूज डायपोल मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम डायलैक्ट्रिक के अंदर, इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो देखिए जो आपका वेक्टर P है, दिस इज इक्वल टू क्यू डी इंटू अपॉन में A इंटू डी के इक्वल, D से D कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई A, तो ये है। इसके अलावा देखिए जब पोलराइजेशन होगा, ठीक है, जब आप डायलैक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वहां पे पोलराइजेशन होगा, तो उसके अंदर डायलैक्ट्रिक के अंदर कुछ चार्जेस, ठीक है, सरफेस पे होंगे और कुछ चार्जेस वहां पे डायलैक्ट्रिक के वॉल्यूम के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं ये मूव तो कर नहीं सकते फ्रीली, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं आपके ये किससे अटैच है? डायलैक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अटैच है, ये फ्री नहीं है। तो इनको जो बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम सरफेस, सॉरी बाउंड चार्जेस इनको बोलेंगे। और इनकी भी दो कैटेगरी है, एक है सरफेस बाउंड चार्ज और दूसरा है वॉल्यूम बाउंड चार्ज, ठीक है। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर की हेल्प से, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक है आपके पास बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी जो डिपेंडेंस है दिस इज कैलकुलेट, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा बी एंड इट इज गिवन बाय पी वेक्टर पी डॉट एन कैप। अब देखिए पी जो है आपका, पी आपका है यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। पी जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, P रिप्रेजेंट करता है पोलराइजेशन वेक्टर को, और जो n कैप है, n कैप है यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द डायलैक्ट्रिक, n कैप रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर को टू द सरफेस, यानी कि जिस पॉइंट पे डायलैक्ट्रिक के हम सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एन कैप से, ठीक है। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ द सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा अगर आपका पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उस केस में आपका एक बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी वहां पे होगी, और इसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए दिस इज गिवन बाई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वैक्टर, ठीक है। तो जो आपकी बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी अगर बात करें तो दिस इज गिवन बाय, सपोज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो बी से, ठीक है। तो रो बी इज गिवन बाय माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। तो इस टाइप के दो तरीके के बाउंड चार्जेस आपके अंदर डायलैक्ट्रिक के अंदर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सरफेस पे चार्ज होता है, ठीक है, और दूसरा होता है वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज। अब देखिए अगर गॉस लॉ की बात करें हम डायलैक्ट्रिक्स के अंदर, अभी तक हमने वैक्यूम के अंदर गॉस लॉ की बात करी है, ठीक है। अब बात करते हैं गॉस लॉ की बात हम डायलैक्ट्रिक के अंदर, तो गॉस लॉ की क्या मॉडिफाइड फॉर्म होगी डायलैक्ट्रिक के अंदर उसको आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। गॉस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स, तो देखिए इससे पहले कि हम गॉस लॉ को लिखे, एक वेक्टर हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज गिवन बाय वेक्टर डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस
पोलराइजेशन वेक्टर, सो दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये क्या है आपका, तो डी है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो ई है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पी है पोलराइजेशन वेक्टर। तो देखिए जो आपका इंटीग्रल फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या है, डी डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू फ्री चार्ज। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर फ्री चार्ज है, तो अगर आपने कोई गॉसियन सरफेस वहां पे कंसीडर किया है और उस पर कैलकुलेट किया है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू फ्री चार्ज। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा, दैट विल बी इक्वल टू फ्री चार्ज प्लस आपका बाउंड चार्ज। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको आप खाली फ्री चार्ज से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज दोनों आपको लगेगा, दोनों से ही आपको कैलकुलेट ये करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जो वेक्टर डी है इसको हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट काय ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, तो जो काई ई की वैल्यू है, यानी कि सस्पेक्टिबिलिटी की जो वैल्यू है, वो होती है आपकी काई ई की वैल्यू जीरो के इक्वल। तो दैट्स वाई जो आपका फ्री स्पेस है इसका पोलराइजेशन क्या होता है, जीरो, ठीक है। यानी कि जो फ्री स्पेस है वो आपका पोलराइज नहीं होगा, काई इक्वल टू जीरो, एंड दैट्स वाई पी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो फॉर फ्री स्पेस। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, इमेज चार्ज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इमेज चार्ज में क्या होता है, देखिए ए पॉइंट चार्ज क्यू, अ पॉइंट चार्ज क्यू जिसका मास है एम और मास एम इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस डी, इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस डी below the ground infinite conducting sheet which lies in the xy plane, what is the value of d for which charge remains stationary। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे एक कंडक्टिंग शीट कुछ इस तरीके से दी हुई है, ठीक है, और ये जो कंडक्टिंग शीट है ये ग्राउंडेड है, कंडक्टिंग शीट जो है ये ग्राउंडेड है। इसके अलावा यहां पे एक चार्ज क्यों है आपका, इस पॉइंट पे एक चार्ज क्यों है, और इसकी एक यहां पे क्या दिया हुआ है, चार्ज भी है और इसका मास भी है एम के इक्वल, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स तो लग रहा होगा आपका एम जी, ठीक है, और इसके अलावा इसने एक चार्ज यहां पे इंड्यूस किया होगा कंडक्टिंग प्लेन में, ठीक है, कंडक्टिंग जो शीट है इसके प्लेन में आपका एक चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, तो उसकी वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो हमें इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सॉरी देखिए एक चार्ज हमें यहां पे दिया, ऊपर नहीं दिया हुआ, अगर ऊपर चार्ज लेंगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो देखिए यहां पे एक चार्ज है क्यू और इसका मास है एम, ठीक है, तो इस पे नीचे लग रहा होगा एम जी, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस डी ये इस ग्राउंडेड प्लेट से कितनी दूर हो ताकि ये यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहे, ठीक है, यानी कि इस चार्ज पे नेट जो फोर्स है वो जीरो रहे। तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ इमेजेस का यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज, ये इमेज चार्ज हम पुट कर सकते हैं माइनस क्यू के इक्वल, ठीक है,
तो इस पे इस माइनस क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ क्यू ई के इक्वल, तो क्यू ई बैलेंस कर सकता है यहाँ पे एम जी को, और उस कंडीशन में ये जो आपका चार्ज है ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, तो ये जो माइनस क्यू है ये है आपका इमेज चार्ज, माइनस क्यू इज इमेज चार्ज। तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो है डी के इक्वल, तो ये भी जो डिस्टेंस होगी आपकी इसके सेंटर से ये भी डी के इक्वल होगी, तो आप यहां पे लिख सकते हो जो फोर्स एम जी है, फोर्स एम जी है ये कहां पे एक्ट कर रहा है, एक्ट डाउनवर्ड, तो आपका जो नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 2d का होल स्क्वायर, दिस शुड बी बैलेंस बाय mg। ठीक है, यहां से हमें d का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्या आएगा, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आएगा 4d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू mg। यहां से d की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा q अपॉन में अंडर रूट आएगा 16 है, तो 16 का रूट आके बाहर आ जाएगा 4, और यहां पे आएगा आपका एम जी पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने डिस्टेंस पे ये चार्ज इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट से होना चाहिए ताकि इस पे जो नेट फोर्स है चार्ज पे वो बैलेंस करे एम जी के साथ। ठीक है, तो तब उस कंडीशन में ये जो चार्ज है ये कहां पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब जो दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है वो है बाउंड्री कंडीशंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करता है वो हमें पता होना चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशन कब अप्लाई होती है, कि जब एक मीडियम के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये दूसरे मीडियम में एंटर करता है किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी को पास करके। ठीक है, तो दूसरे मीडियम में क्या होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कुछ समथिंग डिफरेंट है, तो वहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है, वही चेंज हमें पता चलता है आपका बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर ये आपका एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है दो मीडियम्स के बीच का, ये है आपका मीडियम वन और ये है आपका मीडियम टू। ठीक है, मान लो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है एप्साइलन वन और इसका है एप्साइलन टू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आया, यहां पे इस इंटरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा के इक्वल और इस मीडियम में पास किया। ठीक है, यहां पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन में है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके जो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है कुछ बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन हम लिखेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। यहां पे आएगा आपका E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है आपका, डिसकंटिन्यूअस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि डिफरेंट होगा, जो मीडियम वन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो उससे डिफरेंट होगा, और क्या अमाउंट है डिफरेंस का, वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब हम बात करते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन की। तो देखिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यानी कि जो आपका मैग्नीट्यूड होगा पैरेलल कंपोनेंट का फर्स्ट मीडियम में वो ही सेकेंड मीडियम में होगा। पैरेलल कंपोनेंट से क्या मतलब है, जो ये आपका सरफेस है इसके पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, जो ये इंटरफेस यहाँ पे है जो सरफेस है इसके पैरेलल परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए ई पैरेलल वो दिस इज इक्वल टू ई पैरेलल बिलो। तीसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डी परपेंडिकुलर अबव इज माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो,
दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये जो बाउंड्री कंडीशन थी ये आपकी कंटिन्यूअस था, ठीक है। और ये भी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। अब चौथी जो बाउंड्री कंडीशन है वो किसके लिए है, वो है आपका जो पैरेलल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये क्या होगा, दिस विल बी गिवन बाय जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसका पैरेलल कंपोनेंट, उसमें क्या डिसकंटिन्यूटी है उसके इक्वल होगा। देखिए ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस, इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन हमारी अगर पोटेंशियल के लिए देखें तो देखिए पोटेंशियल जो है वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। पांचवी बाउंड्री कंडीशन लिख सकते हैं पोटेंशियल के लिए, v अबव माइनस v बिलो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो आपका दोनों ही रीजन्स में सेम रहेगा, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस यहां पे रहेगा। अब बात करते हैं जो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल का अगर डेरिवेटिव ले, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मल वेक्टर के, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका डिसकंटिन्यू होता है। देखिए ये क्या होगा, डी बाई डी एन अबोव बी अबोव माइनस डी बाई डी एन बी बिलो दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन में एप्साइलन नॉट, तो ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूस। ये जो कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा आपका डिसकंटिन्यूअस। इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका ये है आपका वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है, यहां पे इधर एक मीडियम है, ठीक है, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के इक्वल है और इसका जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 2 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये है लेफ्ट मीडियम और ये है इधर राइट मीडियम, राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, देखिए इनका जो रेशियो है ई एल बाय ई आर दिस इज इक्वल टू 1/2, यानी कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है आपका दोनों मीडियम्स में इनका रेशियो आपको गिवन है 1/2 के इक्वल, और यहां पे आपको सेकंड जो लेफ्ट रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज इक्वल टू सी इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे रखी है और आपको बताना है कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो वे यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जब तक आपको बाउंड्री कंडीशन याद नहीं होगी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको देखिए एक बार क्वेश्चन को, क्या आपका आंसर आता है। दो मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, एक बार देखिए इसको सोल्व करके, बाउंड्री कंडीशन आपको यहां पे यूज करनी है। आ रहा है कुछ आंसर, सेकेंड रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
चलिए अभी हमने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है, सबसे पहले हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा वाई जेड प्लेन के, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है, वही पैरेलल कंपोनेंट होगा इस प्लेन के, ठीक है। और पैरेलल के लिए हमने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी कि जो आपका लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही सेकेंड रीजन में पैरेलल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ई पैरेलल लेफ्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सी जे कैप है और के कैप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सेकंड, सॉरी लेफ्ट रीजन में, ठीक है। तो यही होगा आपका राइट रीजन में, ठीक है। तो आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू ई पैरेलल राइट। अब यहां पे आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो देखिए फर्स्ट रीजन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट होगा सेकेंड रीजन में। ये बाउंड्री कंडीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आपका एप्साइलन लेफ्ट इंटू ई परपेंडिकुलर लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू एप्साइलन आर राइट इंटू ई परपेंडिकुलर राइट। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है राइट रीजन में, तो ये आएगा आपका एप्साइलन एल अपॉन में एप्साइलन आर इंटू ई परपेंडिकुलर लेफ्ट। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए ये आएगा 1/2 और ये है सी आई कैप। तो जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका राइट रीजन में वो आ जाएगा आपका सी 1/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका सेकेंड रीजन में। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास, देखिए अगर आप एमएच सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो आप आईएफएस आपको प्रोवाइड कर रहा है केवल ₹1 में टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इन टेस्ट को देखे आप अपना जो लेवल है उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जाइए आईएफएस की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे, अपने आप को रजिस्टर करिए और बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फ्री में ये आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आप कहाँ पे लाई करते हो इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। तो आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, ठीक है, और अपना लेवल चेक करिए। इसके अलावा देखिए आईएफएस की तरफ से कुछ मॉक टेस्ट भी आप ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है। इन टेस्ट को आप दे सकते हो, ये टेस्ट तो खैर आपका निकल चुका है, ये टेस्ट आप दे सकते हो प्रैक्टिस स्पीक टेस्ट सेकंड। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो इस एग्जाम को देके आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। ये टेस्ट होगा आपका 2 अप्रैल को। इसके अलावा एक प्रैक्टिस स्पीक टेस्ट दे सकते हो आपको 4th अप्रैल को, ठीक है। और एक 2023 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र एसईटी का, वो एग्जाम होगा आपका 6 अप्रैल को। तो इस टेस्ट को भी आप दे सकते हो और अपना जो एग्जाम का आपका माहौल होता है उसको वहां पे फील कर सकते हो, ठीक है। इस टेस्ट को ये आपका लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये जो होता है ये होता है हमेशा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। बी परपेंडिकुलर अबोव माइनस बी परपेंडिकुलर बिलो दिस इज इक्वल टू जीरो,
ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये आपका, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है म्यू नॉट के, के रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका बी पैरेलल अबोव माइनस बी पैरेलल बिलो, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट के, तो ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है। पैरेलल कंपोनेंट क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। एक होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, आपको पता होगा म्यू नॉट एच या फिर म्यू एच जो होता है किसी भी मीडियम में, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, तो इनको एक बार देखते हैं हम। देखिए जो एच परपेंडिकुलर अबोव माइनस एच परपेंडिकुलर बिलो, दिस इज इक्वल टू जो आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसके इक्वल होगा। ये है एम परपेंडिकुलर बिलो, इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल कंपोनेंट की बात करें, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा, यानी कि एच पैरेलल अबो माइनस एच पैरेलल बिलो, दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्या है आपका कंटिन्यूअस। इसके अलावा आपके पास बाउंड सरफेस करंट होता है और आपका वॉल्यूम वॉल्यूम बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी होता है, तो इनको हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहां पे देखते हैं। देखिए एक तो है आपका बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी, दिस इज गिवन बाय के बी इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप, ठीक है। तो बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी है, दिस इज गिवन बाय एम क्रॉस एन कैप, और एम यहां पे रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, एम रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को। इसके अलावा जो आपकी वॉल्यूम सरफेस करंट डेंसिटी है, दिस इज गिवन बाय कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, वॉल्यूम करंट बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जो आपका बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, दिस इज गिवन बाय, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर जेबी से, एंड दिस इज गिवन बाय कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, सो दिस इज बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपको पता है एक टॉपिक है आपका जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका वेक्टर ए से, ठीक है। जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है आपका, दिस इज गिवन बाय, इसका रिलेशन क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड से आपने पढ़ा होगा, जो वेक्टर बी है दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, ठीक है। यहां पे वेक्टर ए आपका क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर आपको कर्ल ऑफ ए दे दिया जाए तो वहां से आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए।
एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखो। देखिए सपोज आपके पास वेक्टर ए है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, एफ क्रॉस आर प्लस टेन अपॉन में आर क्यूब इंटू वैक्टर आर, तो इसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय कर्ल ऑफ ए, तो इसका आप कर्ल कर कैलकुलेट करिए एंड दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आपका क्या है। ये अगर आपका वेक्टर ए दे रखा हो, वेक्टर ए क्या है डायपोल के लिए, दिस इज गिवन बाय एम क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, तो इसके लिए आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसको आप होमवर्क में कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ बंद कर दूँ वहां से मोबाइल से। सो वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी? आई एम ऑडिबल और नॉट, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरी आवाज सभी को आ रही है? जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई एम ऑडिबल राइट? ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून। हम कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स का फास्ट रिविजन कर देते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका सुबह से लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ फास्ट रिवीजन पे काम करते हैं जो आपके एमएस सेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमएस सेट का एग्जाम बहुत बेसिक आता है, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जैसे आपके सीएसआई नेट में पूछे जाते हैं। आपको बस बेसिक चीजें आनी चाहिए, बहुत बेसिक सवाल आपके आते हैं। जब आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे तब आपको पता होगा कि एमएस सेट बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, राइट? इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं आपको फास्ट मोड में फटाफट से आपका रिवीजन करा देता हूं। तैयार है सभी लोग? एवरीबॉडी इज रेडी? कमेंट सेक्शन में बोलो हाँ भाई। ठीक है, चलो। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको कहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहले बात आपको सिंपल सी ये पता होनी चाहिए कि अगर ये न्यूक्लियस है, ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली थोड़ा सा रफ डायग्राम है, इस पे मत जाना आप। न्यूक्लियस है अगर ये, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता ही कि न्यूक्लियस का एक रेडियस साइज है, राइट? और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको बेसिकली चीजें पता है, राइट?
और न्यूक्लियस का जो साइज है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है ए की पावर 1/3 पे, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस्ट टू द पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज व्हाट, दैट इज कॉन्स्टेंट 1.2 फेंटोमीटर, राइट। और यहाँ पे ए क्या है, ए इज द मास नंबर, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन द मास नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। ओके, सो दैट इज बेसिक स्टार्टिंग का पहला रिलेशन है जहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, मानते हैं हम ऐसा फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशंस, हालांकि कॉन्स्टेंट नहीं है बट हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ ली जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है, जेड एम एच प्लस एन मतलब न्यूट्रॉन नंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, या फिर आप इसको ए माइनस जेड भी लिख सकते हो, बिकॉज न्यूट्रॉन नंबर इज व्हाट, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर मिलकर आपका मास नंबर बनता है, तो न्यूट्रॉन नंबर कैसे आएगा, मास नंबर में से आप प्रोटॉन नंबर को हटा दीजिए, है ना भाई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए माइनस जेड एम एन माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां से आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पूछी जा सकती है। ध्यान रखना है आपको इसका शॉर्ट रिलेशन क्या है, डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV, ये वाला रिलेशन आप शॉर्ट में याद रखें कि अगर आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा गया है तो आप डेल्टा एम निकालें और उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी में स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करता है, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस की उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जितना रेस्ट मास एनर्जी कम होगा न्यूक्लियस का उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, वो था इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, राइट। मोर बाइंडिंग एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी, और अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो बाई डिफॉल्ट रेस्ट मास एनर्जी आपकी कम होगी, बिकॉज यू कैन सी इन द रिलेशन कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो रेस्ट मास एनर्जी कम है, राइट। क्लियर तो दिख रहा हूं यार मैं इंटीजर्स पूरा तो मैं दिख रहा हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, विजिबल नहीं हूं क्या मैं शुभांगी, विजिबल प्लीज लेट मी नो, आई थिंक विजिबल है, पूरा कैमरा तो ऑन रख कर रखा है इधर से, ठीक है चलो। तो यहां पे मैं क्या बता रहा था, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है इसका मतलब है मोर स्टेबिलिटी, और बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम है इसका मतलब है लेस स्टेबल, मोर स्टेबल और बाइंडिंग एनर्जी कम है तो लेस स्टेबल, राइट। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप एमएस सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमएस सेट में आपका जो भी चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप आईएफएस की वेबसाइट से जाके उसके कट ऑफ क्या है, पिछले साल के पेपर्स, आप सारे की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, व्हाट सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, वहां से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्या क्या एग्जामिनर सवाल पूछ सकता, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा लंबा लेक्चर मैं आज लूंगा नहीं, बहुत तेज जुकाम हो रहा है, सर में दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला याद होना चाहिए कि हर टर्म की डिपेंडेंसी कैसे है मास नंबर पे, तो एक एक करके मैं लिख रहा हूं आप भी लिखते रहिए, वॉल्यूम टर्म ये हो, दिस इज योर सरफेस एनर्जी टर्म, दिस इज योर कूलॉम्बिक एनर्जी टर्म, एंड दिस इज योर सिमेट्री एसिमेट्री एनर्जी टर्म, एंड लास्ट में आपके पास आता है पेयरिंग एनर्जी टर्म, राइट। सो दिस इज नोन एज सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कूलॉम्बिक एनर्जी टर्म, असिमेट्री एनर्जी टर्म, एंड आपका लास्ट में पेयरिंग एनर्जी टर्म। आपको ध्यान रखना हर टर्म की डिपेंडेंसी मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, मास नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड है और उसकी किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज आपसे समटाइम रेशियोज पूछ सकता है एग्जामिनर,
इसके बाद सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले आपको इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार। मल्टीपल टाइम एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चंस पूछे हैं, मोस्ट स्टेबल आइसोबार आप कैसे निकालेंगे। पहले मैं बताता हूं कि आइसोबार होता क्या है। आइसोबार ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोबार क्या होते हैं, एक ऐसे न्यूक्लियस है जिनमें सेम मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो आपसे क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर सेम मास के करस्पॉन्डिंग चार अलग अलग एटॉमिक नंबर देके पूछ लेगा, इन चारों एटॉमिक नंबर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। अभी हम ड्राइव नहीं कराएंगे क्योंकि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, बाकी आप पिछले लेक्चर देखोगे तो वहां पे मैंने पूरा इसका डेरिवेशन भी कंप्लीट किया है। तो जेड इज इक्वल टू ए अपॉन टू वन प्लस 0.0078 ए की पावर 2/3, ये आपका रिलेशन बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको एग्जाम में काम आएगा। जेड इज इक्वल टू ए बाई टू अपॉन वन प्लस 0.0078 ए रेस्ट टू द पावर 2/3। क्लियर? साथ ही साथ आप एक रिलेशन ये भी ध्यान रखें, जेड इज इक्वल टू ए बाई टू वन अपॉन वन प्लस ए सी अपॉन फोर ए सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। आप ये दोनों रिलेशन से आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कौन सा रिलेशन आपको यूज करना है। अगर आपसे जेड इंटीग्रल फॉर्म में पूछा जाता है तो आप ये वाले रिलेशन को यूज करेंगे। अगर आपसे जेड मास के फॉर्म में पूछा जाता है तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में, राइट? तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल दैट इज सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले से इतने से सवाल बन सकते हैं और इससे ज्यादा सवाल नहीं बन सकता। यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शेल मॉडल। शेल मॉडल में आपको कहां से क्वेश्चन बन सकता है, देखो शेल मॉडल में क्या है, बेसिक चीजें बताता हूं। शेल मॉडल में दो पोटेंशियल के साथ साथ स्पिन ऑर्बिट करेक्शन का टर्म यूज होता है और ये हैमिल्टोनियन यूज की जाती है, ठीक है? दिस इज द थिंग। यहां से आपसे पूछ सकता है करेक्शन टर्म क्या है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है वहां पर, ठीक है? साथ ही साथ आपसे स्पिन एंड पैरिटी निकलवाने को पूछेगा, तो आपको पूछा जाएगा फाइन स्पिन एंड पैरिटी। आपसे पूछेगा फाइंड स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस की स्पिन एंड पैरिटी बताइए। तो आपको क्या देखना है, तीन केसेस बन सकते हैं उसमें। पहले प्यारे बच्चे कितने केसेस बन सकते हैं, तीन केसेस बन सकते हैं। पहला केसेस हो सकता है इवन इवन न्यूक्लियस हो सकता है। इवन इवन न्यूक्लियस का मतलब होगा एक ऐसा न्यूक्लियस, इवन इवन न्यूक्लियस का मतलब होगा एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन नंबर भी इवन हो एंड न्यूट्रॉन नंबर भी इवन हो। क्या होगा सर, इवन इवन का मतलब होगा प्रोटॉन नंबर भी इवन है एंड न्यूट्रॉन नंबर भी इवन है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद आपका होगा इवन ऑड का न्यूक्लियस हो सकता है जिसमें किसी ना किसी एक न्यूक्लियॉन को ऑड होना पड़ेगा, ऐसे न्यूक्लियस को हम इवन ऑड की कैटेगरी में डालते हैं। और तीसरा कैटेगरी होगी ऑड ऑड जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नंबर क्या होंगे, ऑड हो सकते हैं। तो तीन कैटेगरी का न्यूक्लियस आपको मिल सकता है। अब इस तीन कैटेगरी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है वो कौन से टाइप का, इवन इवन न्यूक्लियस है। इन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय सीइंग द न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर, यू कैन सी इट इज इवन इवन और इट इज इवन ऑड और इट इज ऑड ऑड, राइट? आप बहुत आसानी से उसको पहचान सकते हैं। तो जब इवन इवन आएगा तो ध्यान रखना है उस केस में आपका डायरेक्ट आंसर होता है 0+। इवन इवन केस में आपको मेहनत नहीं करनी है, इवन इवन केस में आपकी जो स्पिन पैरिटी है डायरेक्ट आ जाती है 0+। कितनी आ जाती है सर, 0+। इवन ऑड केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इवन ऑड केस के लिए मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। इवन ऑड केस के लिए आपको क्या करना है, इवन ऑड केस के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान रखना। इवन ऑड केस के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? ऑड न्यूक्लियॉन के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो भी न्यूक्लियॉन ऑड होगा उसकी वजह से आपको जो भी आ रहा होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद
लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन विल डिसाइड स्पिन एंड पैरिटी, ठीक है। तो जो लास्ट न्यूक्लियॉन होगा अनपेयर्ड, वो आपका स्पिन एंड पैरिटी आपका डिसाइड करके देगा। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इवन ऑड के केस में। ऑड ऑड के केस में तुम क्या करोगे, ऑड ऑड के केस में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कॉन्फिगरेशन करोगे, क्या करना है दोनों का कॉन्फिगरेशन करना है, ठीक है। जब आप प्रोटॉन का करोगे तो आपको जेपी मिल जाएगा, एलपी मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का करोगे तो जेएन मिल जाएगा, एलएन मिल जाएगा, एंड देन यू हैव टू चेक जेपी प्लस जेएन प्लस, ये अगर एक ऑड नंबर आता है तो आपका जो फाइनल जे होगा वो आप कैसे निकालोगे, जे इज इक्वल टू जेपी प्लस जेएन से आप निकालोगे। और अगर यही सिनारियो इवन आ जाता है, इफ जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एल एन इज इक्वल टू इवन नंबर, तो आपका जो फाइनल जे होगा दैट इज गिवन बाई जे पी माइनस जे एन, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे। पैरिटी आप कैसे निकालोगे, माइनस वन की पावर एल पी प्लस एल एन, इस तरह से आप पैरिटी निकालोगे। तो ये आपका केस हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड करेंगे, बिकॉज आज तबीयत ठीक नहीं है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है और यहाँ पे स्टूडेंट भी ज़्यादा है नहीं अभी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल मॉडल इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो मैंने स्पिन पैरिटी का आपको बताया है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, सेल मॉडल में इवन 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 ऑड और कोई ना 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है एमएससेट 2024 में, आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का देख लेना, और आगे आप कलेक्टिव मॉडल का बता देता हूँ बेसिक चीज़ें क्या ध्यान रखना है। कलेक्टिव मॉडल में आपको ये फार्मूला याद रखना है, कलेक्टिव मॉडल में E इज इक्वल टू एनर्जी आपसे पूछेगा रोटेशन की, तो यहां से निकालोगे। आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा मास नंबर ग्रेटर देन 150 और मास नंबर लेस देन 200, ये वाली जो कैटेगरी होती है इनका क्वाड्रपल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना इतने मास नंबर। और मास नंबर ग्रेटर देन 230 पे भी आपका क्वाड्रपल मूवमेंट जीरो नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीरो नहीं है तो यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट आएगा, ठीक है। ए लेस देन 150 में जितने भी न्यूक्लियस है उनका सबका क्वाड्रपल मूवमेंट जीरो है, तो उनमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। गामा सिलेक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो गामा सिलेक्शन में कैसे करना है क्वेश्चन, गामा सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह का न्यूक्लियर क्वेश्चन मिलेगा। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू कैसे निकालोगे, J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2 तक आप L की वैल्यू निकाल पाओगे। जब आप एक बार L की वैल्यू निकाल लोगे तो L की वैल्यू मान लो 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाएगी। तो आपको बता रहा हूँ, अगर 1 आएगी तो वो डाइपोल होगा, और अगर L 2 आएगा तो वो क्वाड्रपोल होगा, L इज इक्वल टू 3 आएगा तो वो ऑक्टा होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। Now you have to identify, बहुत जुकाम हो गया यार। Now you have to identify which type of pole it is, electric or magnetic. ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक का रूल बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक के लिए आपको रूल याद रखना है, इलेक्ट्रिक के लिए पाई फाइनल इज इक्वल टू पाई इनिशियल माइनस वन की पावर एल होता है। और मैग्नेटिक का जो रूल होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, पाई फाइनल इज इक्वल टू पाई इनिशियल माइनस वन की पावर एल प्लस वन होता है। ये आपको चीजें याद रखनी, बस आराम से आप गामा सिलेक्शन का क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी, आई होप आप समझ पाए होंगे चीजों को। बाकी एमएस सेट की टेस्ट सीरीज में अगर किसी ने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ पे ₹1 में अभी तक कर दी गया ऑफर में। जो टेस्ट सीरीज है वो आप अभी केवल ₹1 में परचेज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर सेकंड का भी मिलेगा, पेपर फर्स्ट का भी पेपर मिलेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो जो भी एमएससेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में जरूर इनरोल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर चुके हैं और वो टेस्ट लगा रहे हैं। तो आपको भी किसी से पीछे नहीं रहना, अगर आप चाहते हो एग्जाम को क्रैक करना तो इस टेस्ट सीरीज में जरूर इनरोल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।